तो जैसे ही आपने उत्तराखंड पर जाके क्लिक किया तो यहाँ पर टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो उत्तराखंड में चलती हैं, टोटल 21 यूनिवर्सिटीज जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उन सब की लिस्ट खुल जाएगी। 9वें नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स है। दोस्तों, क्योंकि अपने देश में इतनी बड़ी एक पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ में जो पॉपुलेशन समस्या है वो एक बात अलग है, बट उससे ज्यादा समस्या हमारे सामने खड़ी होती है क्वालिटी एजुकेशन की। जब तक स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक अपने देश का भविष्य और आगे जाकर और तरक्की कर नहीं पाएगा। क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए अच्छे संस्थानों का होना जरूरी है, अच्छी यूनिवर्सिटीज का होना जरूरी है, अच्छे स्कूल्स का होना जरूरी है। मैं नहीं बोलता कि अपने देश में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज अच्छी है, कुछ यूनिवर्सिटीज अच्छी हो भी सकती हैं। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। अपने देश में जहां पर आज की डेट में लगभग 141 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है और विश्व में नंबर 1 पर आ चुकी है जनसंख्या के मामले में, पर देश में अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तो टोटल, दोस्तों हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा है, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। इन्हीं सब यूनिवर्सिटीज में से दोस्तों एक यूनिवर्सिटी आती है जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, या फिर हम बोले महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बहुत सारे सवाल हमसे पूछे, जैसे कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटी का नाम बदल गया है, यूनिवर्सिटी का नाम पहले कुछ और था, क्यों यूनिवर्सिटी का नाम बदला, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, इस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लें या ना लें, यूनिवर्सिटी कैसी रहेगी अगर हमने कोर्स कंप्लीट किया है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कैसे करवाएं, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके दिल में हैं, जो आप पूछना चाहते हैं। कोशिश करूंगा कि आज सभी सवालों के जवाब दे सकूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी या फिर हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, जिस तरह से चलती है सभी यूनिवर्सिटीज उत्तराखंड में, हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उत्तराखंड में, देखा जाए टोटल 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अभी आज 2023 की डेट में टोटल 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। इन सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक हमारे पास नाम आता है महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि पहले सिर्फ HGU हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नाम से चलती थी। यूनिवर्सिटी बनी 2016 में, 7/12/2016, अभी चल रहा है 2023, लगभग 6-7 साल इस यूनिवर्सिटी को हो गए हैं अभी तक चलते हुए। यूनिवर्सिटी के जो चांसलर साहब हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, वो है प्रोफेसर शिव कुमार गुप्ता जी, और यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो है डॉक्टर नंद किशोर सिन्हा। अब यूनिवर्सिटी की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में यूनिवर्सिटी चलती है, और यूनिवर्सिटी की अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.hgu.ac.in, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यूनिवर्सिटी के पास हालांकि कुछ दूसरे अप्रूवल्स भी है और यूनिवर्सिटी UGC पर लिस्टेड भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज किए जा रहे हैं वो सब कोर्सेज मान्य भी हो, और साथ में ही यूनिवर्सिटी जितने भी कोर्सेज को कराने वाली है उन सबका अप्रूवल भी हो। उन सबको चेक करने के लिए आपको उस काउंसिल बॉडी में उसका अप्रूवल चेक करना होगा, और पहले यूनिवर्सिटी को UGC पर जाकर चेक करना होगा। दोस्तों, आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाई अप करना इंडियन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन MBA होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नए नए यूनिवर्सिटीज से टाई अप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in।
यहाँ आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी। और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। तो कैसे आप चेक करेंगे महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी का यूजीसी पर? सबसे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यूजीसी पर चेक करना ही होगा, क्योंकि अपने देश में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, वो सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेट की जाती हैं यूजीसी के द्वारा, और यूजीसी को देखता है एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब दोस्तों बात ये आती है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनती हैं, वो सभी यूजीसी के अंडर काम करती हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंडर। ये जो यूनिवर्सिटी है महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इतना लंबा जो नाम है, पहले ये नाम नहीं था, पहले फॉर्मली हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नाम से ही इस यूनिवर्सिटी को जानते थे, जो उत्तराखंड में है, पौड़ी गढ़वाल में है। यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती हैं वो सभी सेक्शन 2F के तहत बनती हैं, 1956 का जो एक्ट है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, उसके तहत ही ये यूनिवर्सिटी भी बनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एक। तो इसको चेक करने के लिए यूजीसी पर, क्योंकि यूजीसी सब यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है, सबसे पहले आप टाइप करेंगे www.ugc.gov.in। जैसे ही इस वेबसाइट को आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में जो इंटरफेस खुलेगा यूजीसी का, उस यूजीसी के इंटरफेस पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज में जाकर आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करेंगे। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करने के बाद में जाएंगे आप उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जाने के बाद में उत्तराखंड, जैसे आप क्लिक करते हैं, सभी स्टेट के जो नाम आए हैं वहां उत्तराखंड लिखा होगा, तो जैसे ही आपने उत्तराखंड पर जाके क्लिक किया, तो यहां पर टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो उत्तराखंड में चलती हैं, टोटल 21 यूनिवर्सिटीज जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उन सब की लिस्ट खुल जाएगी। 9वें नंबर पर आप देखेंगे तो यहां पर महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स है, जो यूनिवर्सिटी 7 दिसंबर 2016 को अस्तित्व में आती है, और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट sgu.ac.in है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। यूनिवर्सिटी को और बेहतर तरीके जानने के लिए यूनिवर्सिटी की मोर डिटेल्स पे आप क्लिक कीजिए। मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का फोन नंबर लिखा है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल मेल आईडी लिखी है, और साथ में ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी लिखी है। वाइस चांसलर साहब की डिटेल डली है, जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर नंद किशोर सिन्हा, उनका फोन नंबर है, उनकी मेल आईडी भी है यहाँ मेंशन। साथ में ही जो रजिस्ट्रार साहब है प्रोफेसर प्रदीप कुमार डे, यहाँ पर उनका फोन नंबर मेंशन है, मेल आईडी मेंशन है। ये सब डिटेल्स हैं यूनिवर्सिटी की, तो मतलब यूनिवर्सिटी यूजीसी पर लिस्टेड है, तो कम से कम यूजीसी पर चलो लिस्टेड है तो यूनिवर्सिटी मान्य है, आप मान्य इस यूनिवर्सिटी को बोल सकते हो। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं, और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में, या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप क्या और जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, या किन कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, किस अप्रूवल के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हो आप इस महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें। आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, आप यूनिवर्सिटी जाएं, विजिट करें, या कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। या फिर आपको डिग्री वेरिफिकेशन करवानी हो, उसमें भी हम आपकी मदद आरटीआई से रिलेटेड बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।